हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में हमारे हॉर्मोन्स का रोल होता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसी हॉर्मोन्स को डिस्कस करेंगे, नाइट हॉर्मोन्स। तो आज हम देखेंगे ये हॉर्मोन्स हमसे रात में क्या क्या करवाते हैं, इनका रात में क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ नाइट हॉर्मोन्स को और देखते हैं इनका क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, हम सब में हॉर्मोन्स होता है और इसका बहुत ही मेजर रोल होता है हमारे बॉडी में। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, सुबह हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग होता है और शाम को हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग होता है। कभी हमें कॉलेज की असाइनमेंट करनी होती है या फिर ऑफिस का कोई काम करना होता है तो कभी तो हम बहुत जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और कभी हम घंटों बैठ के काम करते हैं फिर भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इन सब में हमारे हॉर्मोन्स का रोल होता है। क्यों कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के योग करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। सुबह से लेकर शाम तक हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग होता है हमारे बॉडी में। इन सब में हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का, बॉडी क्लॉक का रोल होता है। सुबह से लेकर रात तक हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। कोई हमें अलर्ट करते हैं तो कोई हमें थका देता है। कोई कहता है जागो 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 सुबह हो गई, तो कोई कहता है सो जाओ अब रात हो गई। जैसे जब सनसेट होता है तो सन से जो ऑरेंज और रेड कलर की सनलाइट आती है, जब वो हमारे रेटिना पे पड़ेगी तो हमारा रेटिना एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है और मेलाटोनिन का अमाउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है और हमें नींद आने लगती है। मेलाटोनिन हार्मोन मेनली रात में एक्टिवेट होता है और ये स्लीप प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, इससे हमें नींद आने लगती है और हम थक के सो जाते हैं। हमारे सोने के बाद जब हम गहरी नींद में पहुँच जाते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो हमारे बॉडी की रिपेयरमेंट करता है, मसल्स, स्किन, हेयर्स, नेल्स, जो भी हो, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की मरम्मत होती है, रिपेयरमेंट होती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे इतनी देर क्यों सोते हैं, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बच्चों को ग्रोथ की, रिपेयरमेंट की ज़्यादा नीड होती है, इसीलिए वो ज़्यादा सोते हैं ताकि ग्रोथ हार्मोन उनकी बॉडी को अच्छे से रिपेयरमेंट कर सके। स्टार्टिंग में बच्चे 16-16 घंटे सोते हैं, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका सोने का ड्यूरेशन कम होता जाता है, वो 14 घंटे सोते हैं, फिर 12, फिर 10, ऐसे कम होता जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन उनके बॉडी का रिपेयरमेंट करता है और उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कम सोएंगे तो आपकी आँखों के नीचे की जो स्किन है उसकी रिपेयरमेंट बॉडी नहीं कर पाती है, इसीलिए वहाँ डार्क सर्कल हो जाते हैं। आँखों के नीचे के जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते ग्रोथ हार्मोन द्वारा, तो यही रीज़न है डार्क सर्कल होने का। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपको और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेयर फॉल होना। फिर रात का वो हिस्सा आता है जब आप बहुत गहरे नींद में पहुँच जाते हैं, और जब आप बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में पहुँच जाएंगे तो आप सपने देखने लगते हैं। आप दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी चीज़ों को आप सपने में देखते हैं, महसूस करते हैं। सपने देखते देखते आप दिन के सारे एक्टिविटी को महसूस करते हैं और एक बार फिर आप बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में चले जाते हैं और एक बार फिर से आप सपने देखने लगते हैं और फिर आप दिन के सारे एक्टिविटी को महसूस करने लगते हैं।
ठीक वैसे ही रात में हमारे दिमाग की सफाई होती है। जैसे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे ब्रेन में, अगर वो हमारी ज़रूरत का नहीं होता है तो ब्रेन उसे बाहर फेंक देता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो ब्रेन उसे टेम्पररी स्टोरेज में डाल देता है, और अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को ब्रेन परमानेंट स्टोरेज में सेव कर लेता है। और इसीलिए रात में जो पर्सन नहीं सोते वो उनका दिमाग बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है, उनका दिमाग सही से वर्क नहीं करता है, और इसीलिए रात में एक्सीडेंट भी ज़्यादा होती है। और फिर सुबह होते ही हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, जिससे हम नींद से उठ जाते हैं। लेकिन जब हमारा अलार्म सुबह बजता है तो हमें तुरंत ही अपने बेड से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि दिमाग का सारा जो हिस्सा होता है वो एक साथ एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए ताकि हमारा दिमाग का जो सारा हिस्सा है वो एक्टिवेट हो जाए, और फिर से एक नई सुबह के साथ हम अपने काम में लग जाते हैं। तो ये हमारे हॉर्मोन्स का रोल है। बहुत सारे लोगों ने नाइटफॉल के बारे में सुना होगा, तो आखिर क्या होता है ये नाइटफॉल और ये क्यों होता है? तो सबसे पहले ये नाइटफॉल में भी हमारे हॉर्मोन्स का ही रोल होता है। जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनका रोल होता है। जो टेस्टिस होता है अगर उसमें सीमेन के स्पर्म का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जो पुराने स्पर्म है वो अगर ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्टिस जो होता है वो पुराने स्पर्म को बाहर फेंक देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, और फिर टेस्टिस नए स्पर्म को बनाना स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम नाइटफॉल कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये रात में ही क्यों होते हैं? जब हमारे टेस्टिस में स्पर्म का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टेस्टिस पुराने स्पर्म को बाहर निकाल देता है, वो सेक्स ग्लैंड के पास इन्फॉर्मेशन जाता है, और सेक्स ग्लैंड ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन भेजता है कि पुराने स्पर्म को बॉडी से बाहर करना है। बट अगर हम कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लाइक मास्टरबेशन एक्सेट्रा, जो भी हो, किसी भी मेथड से, किसी भी प्रोसेस से हमारे बॉडी से वो पुराना स्पर्म बाहर फेंकना है, जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो सपनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम रात में सोते हैं तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हम महसूस करते हैं सपने में, और उससे हमारा जो टेस्टिस होता है वो पुराने स्पर्म को बाहर फेंक देता है बॉडी से, और नए स्पर्म को बनाना स्टार्ट कर देता है, तो इसी को हम नाइटफॉल कहते हैं। बट अगर ये महीने में 1 से 2 बार हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हो तो फिर आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इससे आपके बॉडी को हार्म भी पहुंच सकता है। आज हम लोगों ने कुछ नाइट हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करा, जिनका रात के समय हमारे बॉडी में रोल होता है, फिर चाहे वो मेलाटोनिन हो, कॉर्टिसोल हो या फिर सेक्स हॉर्मोन हो, इन सारे हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।